बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टिफिन पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए पार्ट वन में है, फर्स्ट ईयर में है, जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि आप प्राइवेट स्टूडेंट, ये केवल ओनली फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ओनली फॉर प्राइवेट मतलब कि स्टूडेंटों के लिए है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म डाल देते हैं, बस आपको पता होगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्टूडेंट डालेंगे फॉर्म, वो उनका जो पेपर होगा वो ईयर वाइज होगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनका पेपर सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये जो पेपर जिसको प्राइवेट फॉर्म डाल रखे हैं उन्होंने पेपर आपका हो रहा है, चल रहा है अभी हाल ही में, तो ये क्वेश्चन याद करना, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ये 15 से 16 क्वेश्चन याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देख दो, यहाँ जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ अपने बुक नोट्स कैसे पर उस पर टिक लगा लेना है, और टिक लगाकर वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। यहाँ देखो यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं आने वाली। इसको देखिए एक बार, यहाँ बोला गया है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रमुख परिकल्पनाओं के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में देख लेना है। मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसी थी, उनकी कैसी परिकल्पनाओं का सिद्धांत क्या है। या फिर एक दूसरा आ जाता है कि कह सकते हैं पापलास की निहारिकता परिकल्पना के बारे में, तो उसके बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना कैसी है, ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रकार कितने होते हैं, ज्वालामुखी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के बारे में। भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, और पर्वत निर्माण सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, चट्टान का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन विशेषताओं के बारे में, चट्टान होती क्या है, उसका कितने भागों में बांट सकते हैं चट्टानों को, जैसे कि अग्निशय चट्टान के प्रकार, अग्निशय जो चट्टान है उनके प्रकार बताना है, और जो आप देख रहे हैं हिमानी द्वारा निर्मल विभिन्न भू जो आकृतियां होती हैं जिसे कह सकते हैं हिमानी का अर्थ क्या होता है वो आप देखना है। अपर्दन चक्र क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, मतलब आपको स्पष्ट करना है अपर्दन चक्र क्या होता है उसकी परिभाषा आपको देखना है। ठीक है, यहाँ है प्रभारी जल या फिर नदी के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में आपको देख लेना है। यह है वायुमंडल की संरचना और उनके संगठन के बारे में, वायुमंडल की संरचना कैसी है, सूर्य ताप का अधिप्राय, सूर्य ताप का अधिप्राय क्या है, और शीतोष्ण, ठीक है, कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, शीतोष्ण चक्र जो कटिबंध चक्रवात है उसके बारे में देखना है। और ये है आपका कोपेन का जल वायु वर्गीकरण, ठीक है, कोपेन का जलवायु जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देख लेना है। महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेना है, महासागरीय लवणता किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे, आप इन क्वेश्चनों को बना के कर दोगे तब एक बार पढ़ लोगे, बस यही पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ देखो बोला गया है कि मुंगा की चट्टानों का वर्णन करो। मुंगा को हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, उनकी चट्टान कौन कौन सी है, कौन सा सिद्धांत वो देखना है। यह है जीवन, यहाँ कह रहे हैं जीव मंडल का अर्थ क्या होता है, उनके संगठक के बारे में बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्वार भाटा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिस्थिति तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं परितंत्र, ठीक है, सौर मंडल और भू वैज्ञानिक के बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय संचलन क्या होता है, एक छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनको आपको याद करना होता है। ठीक है, कह सकते हैं प्रभंसन क्या होता है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। अवाह तंत्र के प्रारूप के बारे में आपको बात कर लेना है। भूमिगत जल के कार्य क्या होते हैं, भूमि के अंदर जो जल निकलता है उसका क्या कार्य है, ठीक है, हम पीते हैं ये बहुत बड़ा कार्य है, समझ रहे हो। वायुदाब पीटियाँ क्या होते हैं उसके बारे में, और यहाँ बोला गया है तापमान का क्षैतिज वितरण के बारे में आपको याद कर लेना है, तापमान का क्षैतिज वितरण क्या होता है। यहाँ बोला आर्द्रता के प्रकार के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में है अंध महासागर का धारा का वर्णन कर देना है, कारणों के लिए लिखना है, और समुद्री लवणता के बारे में जिसे खारापन होता है समुद्र में वो क्या होता है घटक, जैसे कि जैवमंडल के अभिप्राय क्या है, मतलब जैवमंडल कैसे कहते हैं, उनके घटक कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। वन परिस्थिति स्थिति तंत्र क्या होता है, जैसे सरोवर परितंत्र कह सकते हैं, तो वन की इकोसिस्टम के बारे में देख लेना है, ठीक है, तो उनके बारे में बस इतने क्वेश्चन आपको याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है,
2022 में यही तैयार करना है, बाकी कुछ और नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अच्छे नंबर से आपको पास होना है। 85% यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रखे हो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।